करंटली आई एम ऑन नासिक पुणे हाईवे। यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है तो ट्रैफिक को वन वे कर दिया गया है, दूसरे साइड की रोड बंद है। दिस हाईवे इज़ नोन एज NH60 विच कनेक्ट्स धुले टू पुणे और इट्स अ वेरी गुड रोड, 4 लेन रोड। बट क्योंकि आप देख रहे हैं कि रोड के दोनों बाजू में पहाड़ी है और यहाँ पे बारिश भी हो रही है, तो ऐसे जगहों पे लैंडस्लाइड होना ये बहुत ही आम बात है। बट इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, यू शुड बी वेरी अवेयर अबाउट योर सराउंडिंग्स। जब भी आप ऐसे इलाकों से ट्रैवल करते हैं तो आप थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि लैंडस्लाइड ऐसे जगहों पे कभी भी हो सकती है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में बहुत ही अमेजिंग व्यू है गाइस, शायद मैं कैमरा में पूरा दिखा ना पाऊँ, शायद कैमरा में कैप्चर भी ना हो रहा होगा। बट जहाँ से मैं आया था वही रूट है वहाँ पे, और वहाँ पे अभी ट्रैफिक जाम लग चुका है, आई कैन सी दैट, बट इट्स रियली ब्यूटीफुल व्यू। गाइज लेट्स चेक सम स्पीड ऑफ दिस बाइक। रोड काफ़ी खुला है आगे, मैं कोशिश करूँगा कि जिस स्पीड तक मैं कंफर्टेबल हूँ वहाँ तक चलाऊँ। एक 111, इसके आगे मुझे रोड देखनी है, दैट्स इट। गाइज ऐसी मार्किंग पे थोड़ा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि ये जो लाइंस बनी हुई है यहाँ रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं और वो मेटल के हैं, और मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि गाड़ी थोड़ा मतलब आगे का जो चक्का है वो स्किड हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे मेरी स्पीड कम करनी पड़ी है। ऑल दो द टर्न वॉज नॉट दैट शार्प, बट ये जो रिफ्लेक्टर्स लगे हैं जिनकी वजह से मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हुआ कि गाड़ी कहीं ना कहीं पे स्पीड हो रही है। सो बी केयरफुल ऑफ सच लाइनिंग्स, मार्किंग्स जो भी है काम कर रही है, जस्ट टू रिड्यूस स्पीड। गाइज मैंने अभी NH60 छोड़ दिया है, नाउ आई एम ऑन NH61 जो कि मुझे सीधा मुंबई लेके जाएगा। यहाँ से मैंने ये रास्ता इसलिए चुना क्योंकि इसमें इस पैच में बीच में एक घाट आता है विच इज़ नोन एज मालशेज घाट, मराठी मध्ये मालशेज घाट। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, मैं कभी नहीं गया था वहाँ पे, मुझे जाना था, दैट्स वाई आई चूज़ दिस रोड। आगे तो पूरा फॉगी फॉग दिख रहा है और उसके बीच में से जाने में बहुत मज़ा आएगा। वैसे काफ़ी सुना था मैंने कि
वो जो पर्टिकुलरली घाट वाला रास्ता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉग होता है, तो लेट्स सी कि कितना फॉग होगा वहाँ पे। और यहाँ पे तो ज़्यादा नहीं है, लेट्स सी आगे में। बारिश शुरू हो गई है गाइस, और आई एम श्योर कि पक्का इस बार फिर से फुटेज ख़राब होगी। लेंस के आगे में जो पानी आ जाता है जिसके चक्कर में लोग कैसे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, लेंस के आगे में जो पानी आ जाता है जिसके चक्कर में आगे की जो फुटेज है वो क्लियर नहीं दिखती है, और एवरी टाइम मुझे याद भी नहीं रहता कि मुझे लेंस को क्लीन करना है। ऐसा तो मैंने बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था। रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी थी कि जहाँ पे इस रोड के बारे में बताया गया था, तो मुझे लगा था कि शायद थोड़ा सा पैच खराब होगा। आगे तो अच्छी रोड दिख रही है, बट पता नहीं क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो एवरी टाइम अभी क्या आ रहा है पता नहीं चलेगा। एवरी टाइम रोड को मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेट्स सी आगे कैसी रोड है, हॉपफुली अच्छी रोड। ये वाला प्लेस तो जैसे मांझी मूवी में दिखाया था वैसे ही वाला लग रहा है। दोनों साइड से पहाड़ी जैसे वो उन्होंने तोड़ के बनाई थी उसी तरीके का। यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रही है, और काफ़ी स्लीपरी भी है रोड बिकॉज ऑफ दिस मिट्टी, बट बहुत आराम से चलाइए दोस्तों ऐसे रास्ते के ऊपर में। बट एक बात तो है कि व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, अमेजिंग। इफ यू आर कमिंग फॉर सोलो बाइक राइडिंग, अगर आप आपकी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में भी यहाँ पे आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी रोड है ये। नॉट फिजिकली, बट यस व्यू वाइज इट्स रियली अमेजिंग। भी अच्छे स्पॉट्स मुझे रास्ते में दिखे, मैं उनको मेरे गोप्रो में कैप्चर कर ली, पर क्योंकि मेरे पास गोप्रो की सिर्फ दो ही बैटरीज है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना 3 घंटा रिकॉर्ड कर पाऊँ, और उसमें एडिटिंग के बाद में शायद 20 मिनट की वीडियो बने। तो लेट्स सी कितना ज़्यादा कैप्चर मैं कर सकता हूँ, कितने अच्छे स्पॉट्स, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा हूँ तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन से स्पॉट्स या फिर कौन सी लोकेशंस यहाँ पे अच्छी है।
फाइनली वी आर ऑन दैट फॉग वाला रास्ता एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। ये नेशनल हाईवे तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है, बहुत ही ख़राब रास्ता है। वैसे उतना भी डेंस फॉग नहीं है और विजिबिलिटी 100 मीटर से ऊपर की ही लग रही है, बट अभी आगे थोड़ा थोड़ा डेंस होते जा रहा है। पता नहीं कैमरा में दिख रहा भी होगा या नहीं, बट गाइस रियली बी वेरी केयरफुल। आगे से जितने भी लाइट्स आती है गाड़ियों के उनके ऊपर ध्यान दीजिएगा, उसी से आपको पता चलेगा कि अब आपके रास्ते पर है या नहीं। आपके रास्ता बहुत ही ख़राब है, जो तो वीडियो मैंने देखी थी मुझे लग रहा है तो हाइट नहीं किया था किसी ने, इट्स रियली पथेटिक रोड। नेशनल हाईवे तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है, टू लेन रोड है। वैसे नेशनल हाईवे जो अपने फोर लेन के होते हैं, सिक्स लेन के होते हैं, वैसे सिंगल लेन नेशनल हाईवे भी है इंडिया में, तो थोड़ी अच्छी ही है। बट ये तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहा था ना, और दिस इज़ फॉग भी थोड़ा सा डेंस हुआ है। लेट्स सी आगे और क्या सरप्राइज है। काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, ये और एक झरना मेरे लेफ्ट, थोड़ा रुक लेता हूँ मैं यहाँ पे इसको देखने के लिए। चक्कर में कुछ भी नहीं दिख रहा, क्या ये टनल है? ओ माय गॉड, ये गड्ढा, पता निकल तो जाओ पहले इससे बाहर। काफी फॉग है आगे, वाइजर पे भी पानी जमा हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग दिख रहे हैं,
जानवर दिख रहा है, यहाँ पर दिख जाते हैं के चक्कर में थोड़ा सा दिक्कत तो हो ही रही है। अच्छी जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी यहाँ से मुझे निकलना है, क्योंकि मेरे हाथ अभी ठंड की वजह से सुन पड़ चुके हैं। ऑल्दो मैंने ग्लव्स तो पहने हुए हैं बट ग्लव्स गीले हो चुके हैं और काफ़ी देर से मैं गीले ग्लव्स लेकर राइड कर रहा हूँ। रास्ता भी इतना अच्छा है हमारा नेशनल हाईवे 61, मुझे इसको जल्दी से जल्दी छोड़ना है। लेट्स सेव सम पेट्रोल। Finally, I am out from that cart wala rasta. Now it's a normal road, but
बहुत टर्न्स है इन रास्तों के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा टर्न्स है। मैंने अभी काउंट तो नहीं किए बट डेफिनेटली इट्स मोर देन 100-200। और आप अगर सोच रहे हैं कि इसके ऊपर मैं आप कुछ स्पीडिंग करेंगे तो बिल्कुल भी मत सोचिएगा, क्योंकि एवरी 100-200 मीटर्स के बाद में एक टर्न आपको मिलेगा, तो उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्पीड गेन नहीं कर पाएंगे। और बारिश के समय पर तो आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा, थोड़ा सा स्लीपरी है ये रोड, या फिर हो सकता है मेरे MRF के टायर्स की वजह से मुझे फील हो रहा होगा। तो ये था टोटल रास्ता NH 60 से NH 61 और